नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी व साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिशियन व साइंस के। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे डीआरडीओ टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है, इनमें से किस पर निर्भर करता है फ्यूज का फ्यूजिंग करंट? ऑप्शन ए उसके पदार्थ और उसकी लंबाई पर, बी है उसकी लंबाई और उसका व्यास, सी है उसका पदार्थ और व्यास पर, डी है उसके पदार्थ लंबाई और व्यास पर। तो किस पर निर्भर करता है, इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके पदार्थ और व्यास पर निर्भर करता है फ्यूजिंग करंट। किस पर निर्भर करता है, व्यास और पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीईई क्या है, BEE क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी है बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, डी है ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका फुल फॉर्म होता है BEE का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, SPV सेल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है SPV का? ऑप्शन ए स्पेशल पर्पस वोल्टेज सेल, बी है स्पेशल फोटोवोल्टाइक सेल, सी है सन पावर वोल्टाइक सेल, डी है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैलो में से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल होता है फुल फॉर्म इसका SPV का, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है? सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, बी है पोटेंशियोमीटर, सी है क्लैंप मीटर और डी है इनमें से कोई। तो कौन सा करेक्ट होगा जो परिपथ को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए ये। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी क्लैंप मीटर। यह बिना सर्किट को बिना तोड़े ही विद्युत धारा को मापता है, जिसे क्लैंप मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, झमुर जिसे पिंसर भी कहते हैं कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तार काटने के लिए, बी है कील छोटी कील निकालने के लिए, सी है बड़ी कील निकालने के लिए, डी है कील ठोकने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, झमुर जिसे पिंसर कहते हैं इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी कील निकालने के लिए झमुर या पिंसर का उपयोग किया जाता है। झमुर को क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, पिंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा हो सकता है, एसी डीसी या पल्सेटिंग डीसी या इनमें से कोई नहीं? जब छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो वह कौन सा पंखा हो सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी करंट का पंखा बन जाएगा वह, अगर जब उसका रोटर घूम रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी या सीमेंट के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, बी है फिश प्लेट को ठीक तरह से बिठाने के लिए, सी है पटरियों को समांतर रखने के लिए, ऑप्शन डी है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो किसके लिए लगाए जाते हैं लकड़ी या सीमेंट के पट्टे? आजकल दोस्तों सीमेंट के लगाए जाते हैं, पहले लकड़ी के भी लगाए जाते थे, तो आजकल तो क्या होता है कि सीमेंट के लगाए जाते हैं अधिक से अधिक। तो ये क्यों लगाए जाते हैं पटरियों के नीचे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए सीमेंट के या लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, जिससे गाड़ी द्वारा जो भी दबाव उत्पन्न होता है उसे कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है, ऑप्शन ए
दोनों पटरियों को जोड़े रखना, बी है रेल के डिब्बे को जोड़ना, सी है डिब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो किसके लिए काम आता है फिश प्लेट, क्या काम है फिश प्लेट का मुख्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी रेल के डिब्बे को जोड़ना ही फिश प्लेट का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक का गलनांक होता है, ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी है 80 डिग्री सेल्सियस, सी है 47 डिग्री सेल्सियस, और डी है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 47 डिग्री सेल्सियस होता है प्लास्टिक का गलनांक। अगला क्वेश्चन है फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब होती है। ऑप्शन ए रेफ्रिजरेंट को कम करने के लिए, बी है दबाव बढ़ाने के लिए, सी है दबाव स्थिर बनाए रखने के लिए, डी है दबाव कम करने के लिए। तो फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब क्यों लगाई जाती है, क्यों होती है वहां, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा, दबाव बढ़ाने के लिए फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रेलवे कोच पर प्रयुक्त बियरिंग है। ऑप्शन ए बॉल बियरिंग, बी है निडल बियरिंग, सी है प्लम्बर ब्लॉक, डी है रोलर बियरिंग। तो रेलवे कोच में कौन सी बियरिंग लगाई जाती है, किसका उपयोग किया जाता है रेलवे में बियरिंग का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोलर बियरिंग। अगला क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक की पटरियां बनी होती है। ऑप्शन ए मृदु इस्पात की, बी है क्रोम इस्पात की, सी है उच्च गति इस्पात की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो रेलवे ट्रैक की पटरियां किसकी बनी होती है, क्रोम इस्पात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन ए मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है जिससे घर्षण कम होता है और चाल फ्री होती है, बी है मशीन पार्ट्स को ठंडा करना, सी है मशीन को तुरंत रोकना, डी है मशीन की अधिक स्पीड पर चलाना मशीन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीनी पार्ट्स के बीच चिकनी परत का कार्य करना ही जिससे घर्षण कम होता है और चाल भी फ्री रहती है, तो यह अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है परम शून्य वह ताप है जिस पर होता है। ऑप्शन ए आणविक गति रुक जाती है, बी ए पानी जम जाता है, सी ए सभी वस्तुएं ठोस अवस्था में आ जाती है, डी ए इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का यह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आणविक गति रुक जाती है, अगर जब परम शून्य हो जाता है ताप तो क्या हो जाती है, आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट आयरन सिलेंडर में सिलिका की मात्रा कितनी रहती है। ऑप्शन ए 0.85%, बी है 0.12%, सी है 0.63%, डी है 1.2%। तो कितनी होती है कास्ट आयरन में सिलेंडर में सिलिका की मात्रा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 0.63 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता होती है। कास्ट आयरन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 40%, बी है 3 से 5%, सी है 20 से 30%, और डी है 15 से 20%। तो कितने प्रतिशत कार्बन रहता है कास्ट आयरन में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 3 से 5% के बीच में रहता है कार्बन कास्ट आयरन में। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी ए ट्रांसमीटर, सी ए एलिमिनेटर, और डी ए कोई नहीं। तो रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए घूर्णी परिवर्तितर, बी ए मोटर जनरेटर सेट, सी ए धातु रेक्टिफायर्स, डी ए पारदारक रेक्टिफायर्स।
तो किसका उपयोग किया जाता है? ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पारदारक रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16 एम्पियर के 3 पिन सर्किट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित होती है? ऑप्शन ए 1000 वाट, बी ए 50 वाट, सी ए 60 वाट और डी ए 100 वाट। तो कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1000 वाट। अगला क्वेश्चन है, धारिता किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए आवर्ती से, बी ए परावैद्युत सामग्री से, सी ए प्लेट क्षेत्र से, डी ए प्लेटों के बीच की दूरी से। तो किससे प्रभावित नहीं होती है धारिता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्ती से, फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होती है धारिता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक यू।